अच्छा लिख के दे रहा हूँ। अपने बस में वो परसों लाए थे ना, प्रिंट मार के लाए थे ना, अपने बता दिए होगी। अंतुन्ना कुन्ना बनेगा, नहीं अंतुन्ना औरतों का, कुन्ना औरतों का, अंतुम मर्दों का, कुम मर्दों का, ये लाइन का बेस लास्ट का कुन्ना जो है बता दो। एक मिनट देखो, एक मिनट कच्चा हो गया है उसे रुका। देखो बेटा, बोलो क्या हो गए सामने मर्दों को, बोलो भाई तुम आ रहे, तुम्हारा घर, तुम सबका घर, अब तुम्हारी तरफ आ रहा हूं मैं। सब औरतों का घर सामने ले, आया समझ में आ रहा? मैं अभी बना के दे रहा हूं, अभी खाना आधा बना। बीस हजार बार आए, कितने बार? मैं कहीं को इतना टाइम लगा रहा हूं वापस। हाँ लिख ली भाई, लास्ट फाइनल लिख लीजिए आप। अंतांति होगा अगर पढ़ो बेटा। हुआ बोले तो हिया, बोले तो अंता, बोले तो अंति, बोले तो होम, बोले तो होना, बोले तो आगे यहां तक का। अच्छा अब क्या रह गया? अंतो बोलते तुम सब मर्द, ठीक है? अब कह रहे क्या आना, चलो आप मुझे बताएंगे हुआ क्या बनता भाई? हो बनता है, हुआ क्या क्या बनता है? हो, और हुम क्या बनता है? हुम ही रहता है। अच्छा ये क्या है? हिया, हिया क्या बनता है? हाँ। हुन्ना क्या बनता है? हुन्ना ही रहता है। अंता क्या बनता है? का। अंति क्या बनती? ही। हुम क्या बनता है? हुम ही रहता है। हुन्ना क्या है? हुन्ना ही रहता है। अंतुम क्या बनता है? गुम। अंतुन्ना क्या बनता है? अब देखिए चेंजेस क्या हो रहे हैं। आना क्या बनता है? हाँ, ये बन जाता है
ई, और ये क्या बनता है? बोलो क्या बनता? ना, आया समझ में? हाँ निकाले वो अपने, वो मैंने कुछ फ्रेंड को दिया था ना, वो लिख के दिया था, अब अपन जेरॉक्स करके लेंगे बोले थे। निकाल सर, हाँ तो कुछ नहीं होगा, अभी आपको प्रिंट में आया तो समझ में आ जाएगा क्योंकि साफ रहता है प्रिंट। इसमें कैसा है लिखने में है बहुत हिचकिच किचकिच हो जाता है। ऊपर करो इसको, चलो अब देखो सब लोग बोलो हुआ। हुआ बोले तो वो एक मर्द, हो बोले तो उसका किताब, हो बोले तो उसकी किताब, हुमा बोले तो दो से ज्यादा मर्द, ठीक है बोलो। हुमा बोले तो दो मर्द, ये छोड़ दो ठीक है। पढ़ना है तो आपको देख सकते हैं, ये हुम पढ़े अपन, ये अपन टिक मार्क करता है, ये पढ़ने का पढ़िए। हुआ का क्या बन गया, पुन्ने क्या बना है? किताब हो। इसके अलावा एक प्रिंट है मेरे पास रखी थोड़ा बस, बहुत साफ है। अपन जेरॉक्स देते बोल के लिखा लेते, नहीं हाथ से लिखा है, नहीं टाइप करा चलो यह देखो यहाँ पे एक मिनट देखो, पलटाओ पेंसिल ले पीछे लो, यहाँ देखो किताबो हो, समझ आया उसकी किताब। अब इस तरह से हमको सबको बदलते जाना पड़ेगा किताब हो के साथ में। किताब हो का मतलब क्या है? उसकी किताब, ठीक है। बंद करो, ठहरो, इसका कहाँ ढक्कन का है? तो मैं ये बड़ा लिख रहा हूं यहां पे, ये अपना किताब हुई, ठीक है भाई, सबको दिख रही किताब। अब आपको बनाना है उस मर्द की किताब। चलिए कौन बोलेगा? शाबाश, ये आप लिख के रखेंगे मेरे साथ साथ। इसको खाली क्या जोड़े हमने? हो, बोलो किताब हो। यहां तक समझ में आया? उसकी किताब कैसा बताएंगे? तो इसका नाम क्या है? अटैच्ड प्रोनाउन। किसको अटैच्ड है? उन्हें किताब के गोद में बैठा है। आया समझ में? अपन दूसरा सबक पढ़ रहे, किताब हो तो उसकी किताब। हाँ आया ना, माशाल्लाह। मैं वही बोल रहा, इतना अच्छा बनाया था मैं उनके लिए, आपको बंद कर दिया पहले इनसे करा के लेंगे फिर करेंगे उसको। हाँ अब एक औरत की किताब बनाना बेटे, इसको नहीं नहीं सामने वाली नहीं है, गायब की औरत, बोलो गायब औरत। किताब हो, आया समझ में? किताबों का सामने वाला गायब का, गायब औरत को बनाना तो क्या करना पड़ेगा? तो पहले दोनों लिखता मैं, हाँ ये हु बोले तो याद रखो औरत अपना मर्द, और अगर हाँ याद रखो ये कौन है? मेल की किताब, ठीक है, और ये कौन है? फीमेल। अब हमेशा से ये अपने पास लिख के रखो इस, हाँ बोले तो हर, वो बोले तो हिज। आया समझे?
हिजबो खरबो, यहां तक का गए दिमाग में सबके? पक्का बोलो, किताब हो बोले तो उसकी किताब, किताब हुआ बोले तो औरत की किताब, ये दोनों गायब के समझ में आ गए आपके? शाबाश। अब दोनों की जमा की बेची रखेंगे बाजू पर, ऊपर वाले मर्द है हाँ, नीचे वाली औरतें। देयर बुक, देयर बुक कौन दे रही है? मर्द हजरात। और ये कौन है? औरतें। समझ में आ गया? पढ़ो, किताबो हम, इधर करो हाथ, वो सब मर्दों किताब, किताबो हन्ना, तो चार चीजें हो गए। इधर आओ, फिर से मैं इशारा कर रहा, किताबो हो, चलो किताबो हो, ये दो हो गए हम हन्ना ने, अच्छा बराबर, किताबो हन्ना कि बोलो किताबो हो, किताबो हा, किताबो हम, किताबो हन्ना। गायब का पूरा पक्का कर लिए, चलो बोलो कलम बनाओ, कलम हो, कलम हा, कलम हम, कलम हन्ना, ठीक है। घर करो, बैतु हो, बैतु हम, हा इधर सिंगल सिंगल, बैतु हो, बैतु हा, बैतु हम, बैतु कुन्ना हुन्ना, फिर बोलो बैतु हो, बैतु हा, बैतु हम, बैतु हुन्ना, रब्बु हो, रब्बु हा, रब्बु हम, रब्बु हुन्ना, यहाँ तक हो गए। अब सामने सामने वाले क्या है? किताबो का, और ये क्या है? की। समझ में आया? बोलो, एक औरत की किताब, एक मर्द की किताब, किताबों का, किताबों की, किताबों का, किताबों की। हाँ, कितने आ गए अपने पास में? छह आ गए। तो यहाँ नीचे, इसके नीचे ये लिखेंगे, राइट। ठीक है भाई, समझ रही है? काकी, ठीक है। अब यहां पे जमा वाले आ रहे, बराबर, बिल्कुल सही है। अब यहां पे आ जाओ, बस हो गया, चल रेडी। हाँ, एक मर्द की किताब हो, एक औरत की किताब हा, सब मर्दों की किताब हुम, सब औरतों की किताब हुन्ना, तेरी किताब किताबों का, तुम सबकी किताबों को, तेरी किताब किताबों की, तुम सबके किताबों कुन्ना, दिख रहा सबको? क्लियर कट, बेहतरीन। अब मेरी किताब, शाबाश, किताब लिखेंगे और ये बी कर देंगे, किताब ई, किताबी, मेरी किताब, राइट। औरत के लिए भी जमेगा ये, मर्द के लिए भी जमेगा। अब यहां देखिए,
ये हो गई किताब, बुक, और इसको लगाएंगे बड़ा नून। हाँ आगे छे, चलो बेटा एक बार कर लो, फिर ब्रेक लेंगे थोड़ा सा। पुन बोलो हो, हाँ हम होना का की कुम कुन्ना की अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो जमायर हमने पढ़े, ये तमाम ये जो सबक है उसी का खुलासा है पूरा। इसके अंदर तमाम बैती या ये सब हमको देखना है। कौन से जमायर है? मुत्तसिल जमायर। मुत्तसिल जमायर में मदीना यूनिवर्सिटी का सबक मदीना। हाजा बैती, हाजा का मतलब बोलो कि ये है मेरा घर। हाजा बैती, इसके साथ बैतून के साथ या मुतकल्लिम है, इसलिए होगा बैती। बैती के मायने है मेरा घर, हाजा के मायने ये है मेरा घर। बैती अमामल मस्जिदी, फिर यहाँ पर बैती बैतून के साथ आया या मुतकल्लिम, यानी कि मेरा घर। मेरा घर है अमामल मस्जिदी, अमामा यानी सामने, अमामा यानी सामने मस्जिद। हर्फ जर, अमामल मस्जिदी, मेरा घर है मस्जिद के सामने। बैती जमीलुन, फिर आया बैती बैतुन के साथ या मुतकल्लिम, यानी के मेरा घर। मेरा घर है जमीलुन यानी खूबसूरत, मेरा घर है खूबसूरत। फी ही इसमें, फी के मायने है मैं, ही यानी मर्द के लिए लगा है, हुआ का बना ही, ये फी की वजह से ही हो गया, ये असल में है हु, ये फी की वजह से हर्फ जर की वजह से हो गया ही। ये फी आने से ये जेर में चले गए, फी ही सहूलत के लिए। फी ही उसमें है हदीकतुन सगीरतुन, हदीकतुन के माने है गार्डन बागीचा छोटा सा, और सगीरतुन के माने है छोटा, उसमें है छोटा सा बागीचा गार्डन। हाजी ही गुरफती, हाजी ही यानी ये, और गुरफती गुरफतुन के मायने है कमरा, और उसके साथ लगा या मुतकल्लिम, गुरफती यानी के मेरा कमरा, मेरा कमरा। हाजी ही गुरफती, ये है मेरा कमरा। फीहा नाफिजतुन कबीरतुन, नाफिजतुन के मायने है खिड़की, खिड़की। आप मुझे बताइए आप फी के साथ हा क्यों आया? नाफिजतुन कबीरतुन, कमरे का ऊंचा है। अब उनको भी कैसा, लेकिन आपने तो आपको कपड़ा बोले, उनको नहीं मालूम उनके अपन को इससे कहीं
कौन बंद दरवाजा खुलता भाई से सेम से समझ रहे जो इसके अंदर रहता था भाई वो बोलता कौन करता डिफॉल्ट जो है उसको लेके चलता समाई सुनी सुनाई भी बात अब होगा बाप देता आपके पापा बोले हां है वो बंद नीति क्या है मारो उसको तो भी दे अंडा दे है ना सुनी मारो बा और क्या बोल रहा सीहा नाफिजतुन कबीरतुन नाफिजतुन के मायने खिड़की और कबीरतुन के मायने है बड़ी अब यह है असल में कबीरुन ये खिड़की की वजह से कबीरतुन हो गया वहाँ पे भी ता लग गई उसकी खासियत में उसकी सिफत में भी ता लग गई क्वालिटी भी जो है फीमेल हो जाती अपन बोलना अच्छा है कमरा अच्छा है दोनों कमरे अच्छी है बोला उसके मुताबिक अगर आप बोले की कार अच्छा है तो गमता क्या जमीलत पश्तो भाई लिखते हैं अपनी जबान के हिसाब से पश्तो भाई लिखते हैं साहब तो पश्तो और वो बहुत मिलती जुलती जबान है कि मिलती जुलती नहीं शब्द वाला में से आपका क्या काम है अपने को इतने सुना पड़ता ये बारीकियां सीखना जरूरी है पढ़ो व मिरवाहतुन जमीलतुन तुम नहीं रहा मिरवाह के बाद आखिर में तुम नहीं रहा बोले मिरवाह बोले खिड़की फैन फैन सॉरी फैन है ये वाव के मायने वा और वो मिरवाहतुन मिरवाहतुन के मायने है पंखा अरबा बोलते पंखी वो मिरवाहतुन जमीलतुन और पंखा है खूबसूरत हादा शरीरी शरीरुन ये है मेरा बिस्तर वहाजा कुर्सी यी और यह है मेरी कुर्सी वहाजा मक्तबी इसके साथ भी या मुतकल्लिम मक्तबी टेबल मेज वहाजा मक्तबी और यह है मेरा टेबल किसी का मोबाइल लो या स्क्रीन पे से फोटो ले लो ये दिखा नहीं पा रहा घर पे जाके प्रैक्टिस कर सकते ये भेज देंगे सर ये एक फाइल ही भेज देंगे लेकिन बोलो मत क्योंकि ये पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है ये जो है मेरा मेरी जो गलती हुई है उसको बदलो ये जो आपका सबक सीखिए उससे ये इंसानिक है उससे कनेक्टेड है ये प्रैक्टिस करेंगे आप स्ट्रांग हो जाएंगे आप बराबर टाइमिंग के हिसाब से हर चीज आपको थोड़ी थोड़ी दे रहे हैं और जो मैं बोलना चाह रहा था वो चाली भाई बोली कोई जो अब डिसाइड करते हैं क्या ठीक है ठीक है वहाजा मक्तबी और ये है मेरा टेबल साथी साथ के मायने है घड़ी और उसके साथ या मुतकल्लिम यानी मेरी घड़ी व कलमी और मेरी कलम वो किताबी और मेरी किताब अलल मक्तबी अला हमने पढ़े थे ये जेर आया इसके नीचे मक्तबी साथी व कलमी व किताबी अलल मक्तबी मेरी घड़ी टेबल पर है वो हकीबती हकीबत के मायने है बैग वो हकीबती उसके साथ या लग गया या मुतकल्लिम यानी कि मेरी बैग मेरा बैग तहतल मक्तबी वो है टेबल के नीचे तख्ता के मायने नीचे जन्नातु आदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार तहती और मेरी बैग है टेबल के नीचे नाफिजतुन
गुरफती मफ्तूहतुन नाफिजतुन के मायने हैं, यहाँ पढ़े थे हमने खिड़की। गुरफती मेरा कमरा, यानी नाफिजतु गुरफती मेरे कमरे की खिड़की। मफ्तूहतुन खुली हुई, खोला। मफ्तूहतुन यानी खुली हुई। नाफिजतु गुरफती मफ्तूहतुन मेरे कमरे की खिड़की खुली हुई है। आप इतने के मायने लिखो नोटबुक में और बताओ मैं। हाजी ही अखुन माने भाई। ही गुरफतो अखी, अपन इसके तीन टुकड़े करेंगे। पहला कपड़ा करेंगे हाजी ही। अगर हाजी का मतलब है इंग्लिश में दिस, फीमेल दिस। हाजी बोल तो ये बॉनस। अब इसके टुकड़े करो। गुरफतो का मतलब कमरा और आखी का मतलब आप बोल तो भाई। ही बोले तो मेरे भाई, दिखते में क्या मेरे भाई का कमरा। बोले क्या बोलते हैं, ये है मेरे भाई का कमरा। हाँ, अब दूर के लिए हाजी का दूर कौन होता? तिल का दैट। यहाँ पे आपको लिख देंगे, मैं आपके लिख देता हूँ, ये है मेरे भाई का कमरा। हाजी का मतलब क्या है? ये दिस फीमेल। इसका मेल क्या है? हाजा। ठीक है, ये मेल। अब ये दूर के लिए, ये नजदीक के लिए, राइट? हाजा हाजी। दूर के लिए क्या आता है अपने पास? जालिका। जालिका बोले तो दैट मे। और जालिका का दिल का बनता है। दिल का मतलब क्या है? दैट। अब कौन है? उन्होंने फीमेल। जरा आप जोर जोर से बोलते प्रैक्टिस करो। हाजा जालिका। एक्शन करो। हाजा जालिका। हाजा जालिका। जालिका अभी फीमेल है। फीमेल ये तो हाजा जालिका ही फीमेल। हाजी ही तिल का। प्रैक्टिस करो। बोलो हाजा जालिका। हाजा जालिका। हाजी ही तिल का। हाजा जालिका। हाजी ही तिल का। आगे समझने हाजी ही गुरफतु अखी, ये है मेरे भाई का कमरा। तिल का ये हो जाने सर। व तिल का गुरफतु उख्ती, तिल का के मायने वो और वो है गुरफतु कमरा। उख्ती हाँ, उख्तुन के मायने हैं बहन, और उख्ती उसके साथ या मुतकल्लिम यानी मेरी बहन, और वो है कमरा मेरी बहन का। गुरफतु अखी कबीरतुन, गुरफतु अखी मेरे भाई का कमरा। कबीरतुन है बड़ा।
वह गुरफतु उख्ती और है मेरे बहन का कमरा सगीरतुन छोटा। सगीरतुन के मायने है छोटा। गुरफतु अखी अमामल गुरफ अमामा गुरफती गुरफतु अखी गुरफतु के मायने कमरा अखी मेरे भाई का कमरा अमामा के मायने है सामने गुरफती मेरे कमरे के सामने है मेरे भाई का कमरा है मेरे कमरे के सामने। व गुरफतु उख्ती अमामल मतबखी व गुरफतु उख्ती और मेरे बहन का कमरा है अमामल मतबखी। मतबख के मायने किचन अमामा के मायने है सामने किचन के सामने। चलो ब्रेक करते हैं थोड़ी देर के लिए।